डीजल के इंजन में पेट्रोल डाले तो क्या होगा, पेट्रोल के इंजन में डीजल डाले तो क्या होगा। गाइस क्या है ये पेट्रोल की गाड़ी डीजल की गाड़ी, पेट्रोल का इंजन डीजल का इंजन क्या है असल में। तो चलिए आज इस वीडियो में मैं आपको पूरा इन्फॉर्मेशन देता हूँ, पूरे डिफरेंसेस बताता हूँ कि पेट्रोल का इंजन कैसा चलता है, डीजल का इंजन डीजल से कैसा चलता है। तो चलिए वीडियो को अंत तक बने रहेगा। गाइस पहला डिफरेंस ये है कि पेट्रोल के इंजन में एयर और पेट्रोल एक साथ जाता है। जी हाँ, एयर और पेट्रोल एक साथ जाता है कार्बोरेटर में और उसके बाद जाता है सिलेंडर में जब सिलेंडर वर्क करता है। जी हाँ गाइस, ये होता है पेट्रोल इंजन का डिफरेंस। तो आप बात करते हैं डीजल इंजन की डिफरेंस। डीजल में पहले यानी कि कार्बोरेटर में एयर जाता है। जी हाँ गाइस, एयर जाता है, एयर के बाद आता है डीजल। इसका प्रोसेस ये है। जी हाँ गाइस, डीजल का और पेट्रोल का इंजन का प्रोसेस ये है। गाइस दूसरा डिफरेंस ये है कि पेट्रोल के इंजन में फ्यूल ज्यादा कंजप्शन होता है और डीजल के इंजन में फ्यूल कम कंजप्शन होता है। और गाइस सबसे मेजर डिफरेंस पेट्रोल के इंजन में ये है यानी कि उसका इंजन लाइट होता है। जी हाँ गाइस, उसका वेट कम होता है यानी कि हम टोटल में बात करें तो लाइटर होता है। जी हाँ गाइस, लाइटर होता है। वहाँ से हम कंपेयर करें डीजल के इंजन से और पेट्रोल के इंजन से तो डीजल का इंजन बहुत ज़्यादा वजन होता है और बहुत ज़्यादा हैवी होता है। गाइस और एक बात ये है कि पेट्रोल की गाड़ी में गाड़ी स्टार्ट जल्दी हो जाती है। जी हाँ गाइस, यानी कि हम एक ही किक मारते हैं यानी कि हम एक ही सेल्फ देते हैं तो एक ही सेल्फ में पेट्रोल के इंजन की गाड़ियाँ जल्दी स्टार्ट होती है। वहीं की बात करें अगर डीजल की तो डीजल की पेट्रोल से हम कंपेयर करें तो पेट्रोल के यानी कि डीजल की गाड़ियाँ का जो होता है सेल्फ या किक मारना बहुत ज़्यादा लेट होता है यानी कि एक सेल्फ में वो स्टार्ट नहीं होती, हमें 3-4 बार सेल्फ मारना पड़ता है उसके बाद वो गाड़ियाँ स्टार्ट होती है। और गाइस और एक चीज़ बतला दूँ, पेट्रोल की गाड़ी के इंजन में मेंटेनेंस कम होता है और डीजल की गाड़ी के यानी कि डीजल का जो इंजन होता है उसका मेंटेनेंस बहुत ज़्यादा होता है एज पर कंपेयर टू पेट्रोल। और गाइस जब भी हम गाड़ी खरीदने जाते हैं तो हमारे दिमाग में एक ही सोच आती है कि हम डीजल की गाड़ी खरीदें या पेट्रोल की गाड़ी खरीदें ज़्यादा माइलेज के लिए। तो मैं प्रीफर करूँगा डीजल की गाड़ी। जी हाँ गाइस, डीजल की गाड़ी ज़्यादा माइलेज देती है एज पर कंपेयर टू पेट्रोल की इंजन की गाड़ियाँ। और गाइस और एक बात मैं आपको बता दूँ, ज़्यादा माइलेज की गाड़ी होती है डीजल की, यानी कि डीजल की गाड़ी हम जब खरीदने जाते हैं तो उसका रेट भी बहुत ज़्यादा होता है। यानी कि हम सोचते हैं यार सस्ती भी होनी चाहिए, ज़्यादा माइलेज भी देनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं मिलता गाइस आपको। यानी कि कार्स में हम बात करें, ऑफिशियली कार्स में आपको बता रहा हूँ, अगर हम ज़्यादा रेट को जाते हैं तो ज़्यादा माइलेज की गाड़ी मिलती है। यानी कि सपोज हम पेट्रोल की गाड़ी मिले, पेट्रोल की गाड़ी सस्ती होती है लेकिन माइलेज कम देती है। जी हाँ गाइस, यही डिफरेंस है। मैं प्रीफर करूँगा यानी कि 2-3 लाख ज़्यादा होता है, मैं प्रीफर करूँगा ज़्यादा माइलेज की गाड़ी। जी हाँ गाइस, ज़्यादा माइलेज की गाड़ी होती है क्योंकि लॉन्ग ड्राइव में हम लिख जाए तो यानी कि हमें ज़्यादा माइलेज की गाड़ी ही चाहिए। तो प्रीफर करूँगा डीजल की गाड़ी जो कि ज़्यादा माइलेज देती है आपको। अगर गाइस आपको गाड़ी को लॉन्ग ड्राइव पे चलाना है, यानी कि हम सोचते हैं कि यार मैं अब गाड़ी लेके लॉन्ग ड्राइव पे जाऊँगा, अब ज़्यादा यानी कि एडवेंचर वो करूँगा, यानी कि मैं लोकल नहीं चलाऊँगा, तो आपको ख़रीदना चाहिए डीजल की गाड़ी। अगर आप आपके सिटी में, आपकी लोकेलिटी में यानी कि आपके लोकल में चलाना चाहते हो तो आपको ख़रीदना होगा पेट्रोल की ही गाड़ी। तो गाइस आखिरी बात यह है कि पेट्रोल के इंजन की गाड़ियों में डीजल डाल दे या डीजल के इंजन की गाड़ियों में पेट्रोल डाल दे तो क्या होगा। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ, पेट्रोल का जो इंजन होता है ना गाइस, यानी कि एयर और फ्यूल कार्बोरेटर में एक साथ जाता है। जी हाँ, अगर कार्बोरेटर में एक साथ जाके सिलेंडर्स में जाता है तो जब भी पिस्टन खेलता है, तो डीजल की बात है, डीजल की गाड़ियों की बात है, तो पहले कार्बोरेटर में एयर जाता है, इसके बाद डीजल जाता है सिलेंडर, इसके बाद सिलेंडर में आता है, इसके बाद पिस्टन खेलता है। पेट्रोल और डीजल का जो होता है ना गाइस, यानी कि वो फायर देना यानी कि पिस्टन खेलना ज़्यादा वही खेलना, यानी कि पेट्रोल और डीजल में बहुत ज़्यादा फर्क होता है। अगर हम पेट्रोल डाल दिए यानी कि पिस्टन को जो लेवल में जाना रहता ना गाइस, जो लेवल में उसको खेलना रहता वो लेवल में नहीं खेलता और वहाँ से क्या होता, पिस्टन खराब हो जाता। डीजल में भी सेम ऐसी होता गाइस, जो लेवल में जाना था पिस्टन जो ऊपर नीचे होना था वैसा नहीं होता और हमारा इंजन ख़राब होता, यही फ़र्क है गाइस। अगर आपको इस चीज़ों से अवॉइड करना है तो आपकी गाड़ियों में लिखिए डीजल। हम लोग सोचते हैं यार अच्छा नहीं दिखेगा, डीजल लिखेंगे तो स्टाइल मार खाएगा गाड़ी का, ऐसा कुछ भी नहीं है गाइस। अगर आपको पैसे बचाना है, आपको यानी कि सेव करना है, तो आपको लिखना होगा डीजल की गाड़ी डीजल और पेट्रोल की गाड़ी में पेट्रोल। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो कुछ इन्फॉर्मेटिव लगी तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें और जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।